दिस इज अनिल द्वालिया, वंस अगेन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और उम्मीद है सब बच्चों की केमिस्ट्री एग्जाम की प्रिपरेशन बहुत ही अच्छी चल रही होगी। पिछले कुछ टाइम से जो भी आप लोगों को पढ़ाया है, कल उस पेपर को, केमिस्ट्री का एग्जाम है, उसमें आग लगा देनी है सबको। बहुत अच्छे से पेपर करना है, किसी भी चीज की टेंशन नहीं करनी है। देखो, मन में एक ये होना चाहिए, जो मैंने पढ़ा है बहुत अच्छे से पढ़ा है, और कल पेपर कैसा भी आए, ये मन में बिल्कुल माइंड सेट लेके बिल्कुल किसी बच्चे को नहीं जाना है कि भैया टफ पेपर आएगा तो क्या करूं, या इजी पेपर आ गया तो कुछ नहीं करना। भैया देखो, आपने सब कुछ पढ़ लिया है, मैंने सब कुछ पढ़ा दिया है, उन चीजों के अभी जो भी आपके पास 8 से 10 घंटे बचे हैं एग्जाम में, से पहले उनको अच्छे से चीजों को रिवाइज कर लो, जो जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताए हैं उनको अच्छे से कंप्लीट कर लो, और सभी बच्चों को उनके एग्जाम्स के लिए बहुत ज्यादा बेस्ट ऑफ लक। अब कुछ छोटी छोटी टिप्स दे देता हूं जो कल आपके केमिस्ट्री के एग्जाम में बहुत काम आने वाली है, ठीक है। तो सबसे पहले बहुत सारे बच्चे डाउट पूछ रहे थे, सर एग्जाम कौन से पेन से लिखना है। भैया देख लो भैया, ब्लू पेन से लिखो, बस ब्लू पेन से लिख देना। कई बच्चे पूछ रहे थे सर जेल पेन से लिखूं, नहीं भाई, ड्राइंग का कंपटीशन कोई है वहां पे एग्जाम देना है तो ब्लू पेन से, अपने ब्लू बॉल पेन से आप लिख देना। कुछ लड़कियां क्या करती हैं स्पेशली कि भैया 36 कलर के पेन से लेके जाती हैं, रेड कलर, ब्लैक कलर, ब्लू कलर। भाई एक पेन से आपको एग्जाम देना है, ब्लू कलर से। पेंसिल्स का आप यूज कर सकते हो, कोई भी डायग्राम आपको बनाना है तो पेंसिल का यूज कर लेना, ठीक है। और एग्जाम में कुछ क्वेश्चन नहीं आए तो पैनिक बिल्कुल नहीं होना है, सर बायोमोलिक्यूल्स का कुछ समझ में नहीं आ रहा, एल्डिहाइड कीटोन की रिएक्शन नहीं लिखनी आ रही, इस चीज की बिल्कुल टेंशन नहीं करनी है। और एक मेरी टिप जरूर याद रखना एग्जाम के बीच में कि भैया एग्जाम जो आपका 3 घंटे का एग्जाम है उसमें पूरा आपको 70 मार्क्स का अटेम्प्ट करके आना पेपर, चाहे आपको कोई क्वेश्चन आए या नहीं आए। अनिरुद्ध वाली सर ने बोला है पूरा 70 मार्क्स का करना है, मतलब करना है, इसका मतलब कोई क्वेश्चन आपको नहीं भी आए ना, कुछ भी लिख देना। कई बार आप क्या होगा ना, एग्जामिनर देख लेगा भाई इस बच्चे ने स्टार्ट बहुत अच्छे से किया है, चलो लास्ट में इसने कुछ गलत सलत लिख दिया, तो उसके भी थोड़े बहुत मार्क्स दे देता है एग्जामिनर। एग्जामिनर का मूड अच्छा हुआ तो फिर मत कहना अनिरुद्ध वाली सर आपने बोला तो एग्जामिनर ने मार्क्स काट लिए, ऐसा कुछ नहीं होगा। और वन मोर इम्पोर्टेंट थिंग कि आपका जो पेपर है, जब आप स्टार्ट करो पेपर को, तो सबसे जो पहले बहुत अच्छे से कोई क्वेश्चन आता है, ठीक है, जैसे नॉन स्टिक क्वेश्चन आपको कोई न्यूमेरिकल आ गया, डायरेक्ट आपको यूज सर ना आता है और अरे वाह सर ने तो पढ़ाया यही सेम न्यूमेरिकल आ गया, या एनसीईआरटी का कोई क्वेश्चन आ गया, तो आपको उस क्वेश्चन को पहले बहुत अच्छे से कर देना है। ये मैटर नहीं करता कि आप पेपर को फर्स्ट क्वेश्चन से अटेम्प्ट कर रहे हो, फर्स्ट क्वेश्चन से आपने अटेम्प्ट किया आपको नहीं आया, ऐसा नहीं करना है। आपको करना क्या है, जो क्वेश्चन आपको सबसे पहले आता है, वेदर इट में भी क्वेश्चन नंबर 27, 26, 17 कुछ भी हो सकता है, वहीं से ही स्टार्ट करना है, और लास्ट में आते आते जो क्वेश्चंस नहीं आते उनको लास्ट में करना है, ठीक है। और एक थोड़ा सा पेपर का इंप्रेशन अच्छा रहे, एग्जामिनर को अच्छा लगे, तो आपको क्या करना है, एक क्वेश्चन के बाद एक पेंसिल से आपको लाइन ड्रॉ कर देनी है, ताकि एग्जामिनर को ये क्लियर हो जाए, पेपर चेकर को ये चीज क्लियर हो जाए कि इस बच्चे ने इस क्वेश्चन को यहाँ पे कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। तो 2 से 3 टिप्स याद रखेंगे अपने एग्जाम्स के लिए, आपको बेस्ट ऑफ लक, और टेंशन बिल्कुल नहीं करनी है। जैसे आपका मैथ्स का केमिस्ट्री का एग्जाम खत्म हो जाएगा, मैथ्स की तैयारी करेंगे, फिर जेईई मेन नीट उन दोनों के लिए अलग कोर्सेज अवेलेबल है, ठीक है। तो साथ बने रहना है और आपके एग्जाम्स के लिए बेस्ट ऑफ लक। चलो तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और कल पेपर में पक्का आग लगा के आना, कल आपके रिव्यू में लूंगा, तब पता लगेगा बच्चों ने कितनी मेहनत की है कितनी नहीं। तो वंस अगेन बेस्ट ऑफ लक,